अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल ताबीज़ 786। नक्श हर कारा, हर दिल अजीज होने और बहुत से मसलों के लिए ये नक्श बहुत कामयाब है। ये नक्श हर तरह की ज़रूरत में दिया जा सकता है, यानी कि आप इसे हर तरह की ज़रूरत में बनाकर किसी को भी दे सकते हैं या अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो दर्द की जगह पर बांधें या इस नक्श को वहाँ पर चिपका दें, यानी चस्पा कर दें, दर्द ख़त्म होगा इंशाल्लाह। अगर किसी को भी बुखार हो तो बुखार के मरीज को लिख करके मोम जामा करके सीधे हाथ के बाजू में बांधें, इंशाल्लाह बुखार से निजात मिल जाएगी। जो शख्स इस नक्श को अपने पास रखे, हर दिल अजीज़ हो, लोग मोहब्बत और इज्जत की नज़र से उसे देखें, हर दिल अजीज होने के लिए इस नक्श को चांदी की अंगूठी में नक के नीचे रख कर पहने, बेशुमार बरकतों और फजीलतें ज़हूर में आएंगी इंशाल्लाह। ये 34 का नक्श है और 34 आदात हैं, क्योंकि ये नक्श किसी इस्म बारी के नहीं हैं बड़े गौर व फिक्र करने पर भी ये मसला हल ना हो सका तो ख़ुद बुज़ुर्ग आला हज़रत की मज़ार मुबारक पर ज़ियारत के लिए गए तो अचानक इस नक्श का ख्याल उनके जहन में आया, तो इल्म हुआ कि ये नक्श दो इस्मों का मुकर्रब नक्श है। वो इस्म हैं बद्दहू और वहाब का नक्श। सुबहान अल्लाह। इस नक्श की जानकारी से पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें। नक्श इस तरह से बनाना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर 786 लिख देना है। 786 लिखने के बाद आपको यहाँ पर 1 लिख देना है, इसके बाद आपको यहाँ पर 2 लिख देना है। यही नक्श की चाल भी है और यही नक्श भी है, इसी चाल से आपको ये नक्श भर देना है। इसके बाद आपको 3 यहाँ पर लिखना है, इसके बाद आपको 4 यहाँ पर लिख देना है, इसके बाद आपको लिखना है 5 यहाँ पर आपको लिख देना है, इसके बाद आपको 6 लिखना है, यहाँ पर आपको 6 लिख देना है, इसके बाद आपको 7 लिखना है, 7 आपको यहाँ पर लिख देना है, इसके बाद आपको 8 लिखना है, 8 यहाँ पर लिख देना है, इसके बाद आपको 9 लिखना है, 9 यहाँ पर आपको लिख देना है, इस तरह से आपको 10 लिखना है, 10 आपको यहाँ पर लिख देना है, और 11 यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से आपको 12 नंबर खाना भरना है, 12 नंबर आपको 12 नंबर खाना ये वाला, यहाँ पर आपको 12 नंबर भर देना है। अब आपको 13 नंबर भरना है, 13 नंबर में 13 ही भर देना है। इसके बाद आपको 14 नंबर खाना भरना है, 14 नंबर खाना ये, इसके बाद आपको 15 नंबर खाना भरना है, 15 खाने में 15 ही भर देना है, इसके बाद आपको 16 नंबर खाना इस तरह से भर देना है। इस नक्श को किसी भी दिन बना सकते हैं और किसी भी टाइम बना सकते हैं। इस नक्श को ऑरेंज कलर के पेन से लिखना है, बाकी तरीका ऊपर मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से क्या करना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरख्वास्त के साथ।